दोस्तों देव क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, हम लोग इस लेक्चर में सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करेंगे और उसका फुल डेरिवेशन हम लोग सिंपलेस्ट वे में देखेंगे। तो क्या है इसका फुल डेरिवेशन, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस कैपिटल आर हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये जो कैपिटल एम मास है ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालें क्योंकि ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है। हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम। फर्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम लोग का हो गया मास पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। तो रो इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। आपको पता होगा सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम, सॉलिड स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा एम अपॉन 4/3 πr³, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है ये जो बॉडी दिया गया है ये हमारा थ्री डायमेंशनल बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। बिना इंटीग्रेशन के हम लोग इसको नहीं निकाल पाएंगे। हम लोग यहाँ पे करते क्या है, एक एलिमेंटल बॉडी लेते हैं और उसका होल इंटीग्रेशन करते हैं, हमारे होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाता है। तो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पे कौन सा एलिमेंटल बॉडी अज्यूम करना चाहिए ताकि कि हमें होल स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए। तो देखने से लग रहा होगा कि हमें यहाँ पे एक होल स्फीयर एज्यूम करना पड़ेगा विड्थ dx का, जिसकी विड्थ हम लोग dx ले लेंगे। ये होल स्फीयर हम लोगों ने एज एलिमेंटल बॉडी एज्यूम कर लिया जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो होल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल जाएगा। हमने मान लिया कि इस होल स्फीयर का रेडियस एक्स है और जो इसकी विड्थ है वो dx है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एलिमेंटल बॉडी का मास निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, एलिमेंटल मास। सेकंड पॉइंट, एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास को हम लोग डीएम से अज्यूम करते हैं, ये हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंटल बॉडी। ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द होलोस्फीयर एलिमेंटल बॉडी एंड विड्थ ऑफ दिस एलिमेंटल वॉल्यूम, हो जाएगा 4πx² स्फीयर का सरफेस एरिया होता है इनटू विड्थ dx, ठीक है। ये हो जाएगा, जहां इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको यूज कर लेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पर का मेन फॉर्मूला आ जाएगा, हम लोग इसको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, जो कि इक्वल होगा इंटीग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंटल बॉडी, जो कि है क्या, एक स्फीयर है, क्या है, हॉलो स्फीयर है। एलिमेंटल बॉडी हम लोग का क्या है, हॉलो स्फीयर, मीन्स उसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे रखना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो होल सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब ये, तो आपको पता होगा कि होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है। जो लोग नहीं जानते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके उसको पहले देख लीजिए फिर आप यहाँ पे पुट करिए। तो उसका फॉर्मूला होता है 2/3 mr² mr 2/3 mr² तो m की जगह पर हमारा मास क्या है, dm है, m की जगह मास एलिमेंटल dm है और r की जगह पे x है, आर की जगह पे इसका रेडियस क्या है एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो 2/3 mr² आर की जगह पे एक्स है, एम की जगह पे डीएम। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, उसके पहले डीएम की वैल्यू यहां से आप पुट कर दीजिए, 2/3 डीएम की वैल्यू रो 4πx² और x² दिस x⁴ dx और ये इंटीग्रेशन का साइन हम लोग यहां पर लगा सकते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी
और लिमिट हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स की लिमिट जीरो से स्टार्ट होकर कैपिटल आर रेडियस तक जाएगी, तो जीरो टू कैपिटल आर। ठीक, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो टू बाई थ्री, तो यहाँ पे फोर और टू एट हो जाएगा, एट रो पाई अपॉन थ्री, और यहां से हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 5 बाई 5 और लिमिट हो जाएगा 0 टू r। लिमिट पुट कर देते हैं तो i की वैल्यू यहां से आ जाएगी, रो की वैल्यू भी हम लोग यहां से पुट कर देते हैं, रो की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 इंटू 3m, ये 3 जो है नीचे ये ऊपर चला जाएगा, अपॉन 4 पाई r का क्यूब इंटू पाई, ठीक है, और अपॉन थ्री ये नीचे पहले से था, ये थ्री आ जाएगा यहाँ पे, और इंटू आर की वैल्यू रख देंगे आर की पावर 5 बाई 5 एंड माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आर की पावर 5 बाई 5, तो 3 से 3 हो गया 3, और यहाँ 4 पाई से 4 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, आर क्यूब से ये आर यहाँ कैंसिल होकर हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आप देख सकते हैं हम लोग की वैल्यू जो आ गई 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, ये आ गई, ये हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, 2 बाई 5 एम आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर का। तो ये था फुल डेरिवेशन इसका एकदम सिंपलेस्ट वे में और जेनुइन मेथड एकदम। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अपना क्वेश्चन अगर कोई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।